हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे, टेनिस कोचिंग सेंटर जादवपुर, जहाँ पे मैं क्लास 9 से लेके 12 तक पढ़ाता हूँ। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो स्पेशल बिहार बोर्ड का है, उसका चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, और वो भी पार्ट 8। पार्ट 8 का अर्थ हुआ कि इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 का पार्ट 1 से 7 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 8 में पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे बिस्मार्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बिस्मार्क के बारे में। तो चैप्टर का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद, अंग्रेजी में इसको कहेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें कि वीडियो कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं, बिस्मार्क के बारे में समझते हैं कि बिस्मार्क की क्या भूमिका रही है जर्मनी का एकीकरण करने में। बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था। देखिए, यहाँ पे मैंने बताया ना कि बिस्मार्क डाइट, डाइट के बारे में मैंने बताया है कि जैसे कि हम लोगों के देश में संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है, तो जर्मनी में, इटली में ये सब उसको क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं, जहाँ पे सभी मंत्री लोग बैठ के अपना विचार विमर्श रखते हैं, देश के लिए जो भी सोचते हैं। तो डाइट में ये प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था। किस राज्य का? प्रशा एक राज्य है जर्मनी के अंतर्गत, उसी का ये क्या होता था? प्रतिनिधि हुआ करता था। प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था, तो आप कहेंगे हीगेल के विचारों से प्रभावित था, और जर्मन संसद में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता रहा था। और संसद में क्या होता था कि हमेशा अपना कूटनीति का परिचय देता था। कूटनीति का अर्थ होता है कि कूटनीति का ज्ञाता कहा जाता है चाणक्य को, विष्णुगुप्त को। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, उन्हीं सबका नाम है। वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, जिन्होंने एक मामूली से बच्चे को गदानंद जैसे राजा को हटा करके राजा बना दिया। वो राजा कौन था जी? चंद्रगुप्त मौर्य। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। देखिए, जो बिस्मार्क था वो राजतंत्रदाता था, और वो भी निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई दबाव ना हो, राजा जो मन करे वो करे, उसका वो समर्थन भी करता था। और जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास भी कर रहा था कि जर्मनी का क्या हो जाए? एकीकरण हो जाए। जो 300 राज्यों में बटा हुआ था वो छोटा सा, छोटे छोटे राज्यों में बट जाए, मतलब ज़्यादा राज्य में ना बट करके कम राज्य हो जाए, उनका एकीकरण हो जाए। या उसकी कूटनीतिक सफलता थी, चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी। देखिए, यहाँ पे एक शब्द है उदारवादी राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी का अर्थ होता है कि जो अपने देश से प्रेम करे, अपने देश के लिए कुछ भी कर दे, उसको राष्ट्रवादी बोलते हैं। तो राष्ट्रवादी भी दो प्रकार के, एक उदार राष्ट्रवादी और एक होते हैं कट्टर राष्ट्रवादी। उदार राष्ट्रवादी का अर्थ होता है कि वैसे राष्ट्रवादी जो अपने देश के हित के बारे में तो सोचे ही, साथ ही साथ किसी को नुकसान भी ना पहुंचाएं। लेकिन कट्टर राष्ट्रवादी जो होते हैं, वे क्या करते हैं कि वे अपने देश के विकास के लिए कुछ भी कर देंगे, मतलब कुछ भी कर देंगे, चाहे उससे किसी दूसरे को नुकसान हो या फायदा हो। सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे, मतलब वो चाहे कोई उदारवादी राष्ट्रवादी हो, चाहे कट्टर राष्ट्रवादी, सब कोई उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे, सब कोई उसके ओर था। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। मतलब बिस्मार्क की ये सोच थी कि जर्मनी का एकीकरण तभी हो सकता है जब सैन्य शक्ति, यानी सेना की शक्ति अधिक हो। मतलब हमारे देश में सेना के पास अगर अधिक शक्ति होगी, तभी जाकर हम जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं, नहीं तो जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं है। किसके हिसाब से? तो बिस्मार्क के हिसाब से। अतः इसके लिए उसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। इसका तात्पर्य यह था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। तो उसने कौन सी नीति अपनाई? रक्त और लौ की नीति। रक्त और लौ की नीति का अर्थ हुआ कि अपने देश के लिए खून बहाओ और शरीर को लोहा बनाओ, ठीक है ना? उस नीति के अनुसार इसने जर्मनी का एकीकरण शुरू किया था। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिस्मार्क है, ठीक है ना? बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। और यहाँ पे आप चाणक्य को देख सकते, जो मैंने पहले बताया था कि इसने एक मामूली से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था अपने कूटनीति के दम पे, ठीक है ना? तो रक्त और लौ की नीति अपनाई थी किसने? इस बिस्मार्क ने। और ये है हीगेल। कौन है ये हीगेल है। जो बिस्मार्क था वो हीगेल के विचार से प्रभावित था, ठीक है? और ये कूटनीति के सफल कूटनीतिज्ञ हैं। आप हमारे देश में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको देश का, मतलब भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े, मतलब कूटनीतिज्ञ थे। और वो भी मतलब समझते थे कि अगर सेना की शक्ति हो तभी देश को, मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है। वो भी रक्त और लौ की नीति का अपनाए थे। ये देख रहे हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
इनका स्टेच्यू बना हुआ है गुजरात में। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। कालांतर में उसने 1830 के राष्ट्रीय प्रशासंधि के विरोध करना शुरू किया। तो क्या किया कि 1830 में उसने ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच में जो संधि हुआ था उसका उसने विरोध किया कि नहीं, हम लोगों में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी सरायबाद संधि नहीं रहेगा, जिसमें प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रशा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। अब धीरे धीरे जर्मनी के लोगों में भी आने लगी कि हमें भी अपने देश को क्या कराना है, आज़ाद कराना है। बिस्मार्क ने अपने नीतियों से प्रशा का एकीकरण किया और इस कारण प्रशा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। अब दो राज्य है सेल्सविग और होल्स्टीन को मुद्दे को लेकर उसने डेनमार्क पर 1864 में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्सविग प्रशा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हो गया। सेल्सविग चला गया प्रशा के साथ, मतलब बिस्मार्क के साथ, और होल्स्टीन चला गया ऑस्ट्रिया के पास, यानी मेटरनिक के पास। इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, अतः प्रशा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रशा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था और प्रशा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। मतलब लड़ाई में क्या हुआ कि सेल्सविग तो प्रशा को मिल गया, लेकिन होल्स्टीन कौन ले लिया, ऑस्ट्रिया ले लिया। अब होल्स्टीन में भी जर्मनी के लोग ज़्यादा थे। अब क्या किया बिस्मार्क ने, यहाँ पर अपना कूटनीति का परिचय दिया कि लोगों में अपने देश के प्रति उसने राष्ट्रवाद की भावना भड़का दिया कि नहीं, ऑस्ट्रिया का नहीं है होल्स्टीन, ये हम लोगों का है, इसलिए आंदोलन करो। तो लोग वहाँ का ऑस्ट्रिया के विरोध में आंदोलन करने लगे। अब मेटरनिक ने अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना भी आनी थी तो प्रशा के होके जाने वाली थी, लेकिन प्रशा उसे जाने नहीं दिया। ऐसा करने पर क्या हुआ कि अंत में ऑस्ट्रिया ने होल्स्टीन को खो दिया और फिर से होल्स्टीन जर्मनी में मिल गया। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना असंभावी था, मतलब बिस्मार्क जानता था कि डायरेक्ट हम ऑस्ट्रिया से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, परंतु ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि दुनिया के नज़रों में ऑस्ट्रिया को हम आक्रमणकारी घोषित कर दें, ठीक है ना, कि वो बहुत ही खराब देश है। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में फ्रांस पदस्थ रहे, मतलब ये जो विक्टर एमैनुअल है फ्रांस का शासक, उससे क्या किया बिस्मार्क ने समझौता कर लिया कि जब मैं ऑस्ट्रिया से लड़ूं तो आप उसमें कुछ न बोले, शांत रहें। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र देने का भी वादा किया था, और ये बिस्मार्क ने बोला कि इसके लिए इससे कि मैं आपको बहुत सारा क्षेत्र दे दूंगा, आप जब भी लड़ाई हो तो उसमें बीच में ना बोले किसी के भी तरफ से। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण करना था। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये है विक्टर इमैनुअल, इटली का शासक, फ्रांस का शासक तो नेपोलियन था। मतलब फ्रांस से भी इसने एकता कर ली और इटली से भी कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण करना था। इससे राय बात यह हुआ कि अगर कभी भी ऑस्ट्रिया से लड़ाई लगता है तो इटली आप भी मेरा साथ देना, और जब आपसे लड़ेगा तो मैं आपका साथ दूंगा। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रशा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। अब ज़्यादा परेशान और बेइज्जती महसूस होने लगा मेटरनिक को, तो उसने क्या किया कि सेडोवा एक जगह है जहाँ पर उसने 1866 में युद्ध की घोषणा कर दी, किससे, जर्मनी से, और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर पूरी तरह पराजित हो गया। लेकिन क्या हुआ कि एक तरफ से जर्मनी घेर लिया और एक तरफ से इटली, और दोनों ओर से घिरकर वो क्या हो गया, बुरी तरह पराजित हो गया। इस तरह आश्चर्य का जर्मन क्षेत्र ऊपर से प्रभाव समाप्त हो गया, और इस तरह जर्मन एकीकरण का दो तिहाई कार्य पूरा हो गया, और इस तरह जर्मनी का दो तिहाई, मतलब तीन भाग में दो भाग का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। अब देखिए बहुत बड़ा बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, सोच रहा था कि कुछ जगह तो भाई फ्रांस ने भी तो लिया है, इधर ऑस्ट्रिया से मैं मुक्त हो गया, अभी एक भाग जो है फ्रांस लिया है उससे युद्ध करूंगा और उससे अपना क्षेत्र लूंगा, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामलों में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रशा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी। अब ये सब चल रहा था तब तक स्पेन का राजगद्दी का मामला उभर गया, वहाँ के जो राजकुमार थे उन्होंने दावेदारी की कि ये मेरी राजगद्दी है, मैं इस पर बैठूंगा, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी को खुलकर विरोध किया
और प्रशासन से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। तोड़ मरोड़ का मतलब उल्टा सीधा, जो असलियत बात था बिस्मार्क ने नहीं बोला और अखबार वालों को उल्टा सीधा बात बता दिया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। अब ये जो चाहता था बिस्मार्क कि भाई भड़के, फ्रांस अपने आप भड़क जाए और मुझसे युद्ध करे, और वह वही हुआ कि 19 जून 1870 को नेपोलियन भड़क गया और लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इसमें क्या हुई, फ्रांसीसियों की हार हुई। क्यों? क्योंकि ये तैयार नहीं थे लड़ने के लिए, ये पहले से तैयारी कर चुका था। उसके उपरांत 10 मई को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सडौन के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अब एक तरफ से ऑस्ट्रिया समाप्त हुआ तो एक दूसरा शक्ति शुरू हुआ, जर्मनी। अंततोगत्वा जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हो गया। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ दो बड़े राज्यों को उदय ही सुनिश्चित नहीं किया बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गए। दो बड़े राज्य का अर्थ हुआ इटली और जर्मनी, ये दोनों क्या हो गए, एकीकरण हो गया। अब इनका एकीकरण देखकर यूरोप के अन्य देश थे जो किसी गुलाम थे या राजतंत्र से फंसे हुए थे, वे भी चाहते थे कि हमारा देश क्या हो जाए, आजाद हो जाए। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। अब हंगरी देश है, बोहेमिया, यूनान, सब में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आंदोलन शुरू हो गया। इसी के प्रभाव में ऑटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बालकन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग पार्ट 9 पढ़ेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे टाइप के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों में इस वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे लोग जुड़ सकें। थैंक्स।